Hi everyone, a very warm welcome to all of you. This is Chris here and you are watching Target Board. So my dear friends and my dear students, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मार्था का शॉर्ट क्वेश्चन और इसी वीडियो के साथ हमारा ये बुक भी पैनोरमा पार्ट क्या हो जाएगा टू खत्म हो जाएगा और आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप लोग ग्रामर पढ़ना चाहते हैं या फिर बुक पढ़ना चाहते हैं ओके तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ रहेगा और आप लोग देखिएगा इतना इजी में जितना इजी में मैंने आपका ये बुक ख़त्म किया इतना इजी में शॉर्ट में कहीं आपको ना तो कोई गैस पेपर या फिर कोई डिक्शनरी कहीं पे भी आपको इतने आसान भाषा में आपको क्वेश्चन दिखने के लिए नहीं मिलेगा आंसर के साथ सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए ओके दैट मीन्स समझने के लिए जवाब नहीं तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट डज मार्था डू इन द हेजल ग्लेन मतलब कि मार्था जो है मार्था नाम की जो महिला थी लड़की थी वो स्टोरी कहती थी तो ये बोल रहे हैं व्हाट डज मार्था डू इन द हेजल ग्लेन मार्था क्या करती है हेजल ग्लेन में ओके मार्था क्या करती है हेजल ग्लेन में तो मार्था डज डू का यहाँ पे वैसे फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा डज मार्था डज इन द हेजल ग्लेन मतलब कि हेजल ग्लेन में मार्था करती थी क्या करती थी वह कहती थी क्या कहती थी तो स्टोरी कोई खास स्टोरी था जो बच्चों को क्या करती थी सुनाती थी। इतना आसान में आपको बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलेगा। चलिए दो नंबर हम लोग देखते हैं कहता है हाँ वो समझ गए हेजल ग्लेन में क्या करती थी मार्था स्टोरी कहती थी ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दो नंबर में व्हाट इज़ द कलर ऑफ मार्थाज आइज कहता है कि मार्था के आँखों का जो है वो कलर कैसा था कलर तो ग्रे था कैसा था कलर ग्रे था द कलर ऑफ मार्थाज आइज इज ग्रे मतलब उन जब मतलब कि वो जो आंखें मतलब उनकी आंखें जो थी उनका कलर कैसा था उनका कलर ग्रे था मतलब कि उसमें दिया हुआ जब आप लोग को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किए थे समझाए थे हिंदी अर्थ में तो वहाँ पे बताए थे ना तो याद रखिएगा मार्था ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा किसने पूछ देगा ऑब्जेक्टिव से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन कर देगा और शॉर्ट में भी रहेगा मार्था की आंखें कैसी थी तो द कलर ऑफ मार्थाज आइज मार्था के आंखों मार्था के मतलब द कलर मतलब रंग है ना किनका मार्था है के आंखों का कलर है कैसा कलर है तो ग्रे कलर है कैसा कलर है ग्रे। चलिए तीन नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु आर स्टार्टिंग इट इज अब देखिए ये पूछ रहा है कि कौन है जो कि स्टार्टिंग इट इज करते थे तो बच्चों जो थे वो उनकी कहानियों को मार्था की कहानियों को सुना करते थे और बहुत ही एकदम स्टार्टिंग से अंत तक मतलब अच्छे ढंग से वो क्या करते थे सुनते थे और वी ईजी वे में है ना। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कहता है चिल्ड्रेन आर यूज टू गेज ऑन हर विथ वंडर इट इज मतलब कि जो बच्चे थे वो प्रयोग करते थे है ना उनको गेज करके टुक टुक निहार के देखते थे है ना और वो भी कितने एकदम बड़े आश्चर्य ढंग के साथ और बिल्कुल ईज के साथ किसके साथ बिल्कुल ईज के साथ। चलिए हम लोग देखते हैं चार नंबर क्वेश्चन ओके चार नंबर में कह रहा है हूँ और सॉरी हाउ डू दे सिट टू लिसन टू मार्थाज स्टोरी कहते हैं कि हाउ डू दे मतलब वे लोग कैसे बैठते थे लिसन टू मार्थाज स्टोरी मार्था के स्टोरी को सुनने के लिए तो यहाँ पे दे आया है किसके लिए बच्चों के लिए चिल्ड्रेन के लिए दे किसके लिए आएगा चिल्ड्रेन के लिए तो वो लाइक वह कैसे मतलब हाउ डू दे सिट टू लिसन टू मार्थाज स्टोरी मतलब मार्था जब स्टोरी कहते थे तो वो कैसे सुनते थे उस स्टोरी को तो देखिए बच्चे जो उनका स्टोरी सुनते थे चिल्ड्रेन सिट डाउन वो क्या करते थे बैठ जाते थे ऑन द अर्थ अर्थ के अर्थ पे बैठ जाते थे और वो भी क्या विथ एल्बोज एल्बोज समझ विथ एल्बोज लो लेड मतलब कि एल ओ डबल एल ई डी इसको हम क्या पढ़ेंगे लॉलेड है ना लॉलेड पढ़ेंगे है ना तो उस हिसाब से ये क्या करते थे बैठ जाते थे। वैसे इनका हम इनका यूज नहीं भी करेंगे तब पर भी हमारा क्या होगा सही होगा ओके चिल्ड्रेन सिट डाउन ऑन द अर्थ विथ एल्बो है ना किसके एल्बोज के ओके तो यहाँ तक में आप लोग का क्लियर है। चलिए चार के बाद हम लोग देखते हैं पाँच नंबर कितने नंबर पाँच नंबर देखते हैं कहता है पाँच नंबर में हाउ वेयर हाफ ऑफ द स्टोरी सेड ओके यहाँ पे कह रहा हाउ वेयर हाफ ऑफ द स्टोरी सेड मतलब कि वो क्या चीज़ वो कैसे मतलब वो क्या चीज़ थे हाउ वेयर हाफ ऑफ द स्टोरी सेड मतलब कैसे कैसे आधा स्टोरी है ना आधा स्टोरी आधा कहानी कह दिया जाता था तो क्या चीज़ था जिससे आधा स्टोरीज कह दिया जाता था तो चलिए हम लोग देखते हैं वो क्या है
तो पाँच नंबर का हम लोग आंसर देखते हैं, कहता है पाँच नंबर में, समझिएगा पाँच नंबर का, कह रहा हर वॉइस एंड हर नैरो चिन, मतलब कि उनके जो आवाज़ हैं है ना, और उनके जो नैरो चिन है ना, तो वे कह देते थे है ना, वह कह देते थे हाफ ऑफ द स्टोरेज सेल, वही क्या कहते थे, मतलब कि उनकी आवाज़ वैसे तो और भी ढेर सारे थे, उनकी सौंदर्य भी, उनकी ब्यूटी भी थे है ना, वो भी थे, लेकिन यहाँ पे हम दो ही चीज़ को मेंशन किए हैं, हर नैरो चिन एंड हर वॉइस है ना, ये दोनों चीज़ क्या करते थे, आधा स्टोरी कह देते थे। चलिए तो ये हमारे पांच क्या थे, शॉर्ट क्वेश्चन। अब बहुत सारे स्टूडेंट मन में आ रहा होगा कि सर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अब नहीं पूछा जाता है, हम कितने बार बता चुके हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन अब बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, ये दिमाग में रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल भी अब नहीं पूछा जाता है, केवल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझते जाइएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा और प्लस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा, बात समझ में आया। अच्छा वैसे भी आज हम 12 बजे लाइव आएंगे, ओके, जैसे आप लोग को पता ही है रात में 8 बजे हम क्या आते हैं, लाइव आते हैं, ओके, प्रैक्टिस सेट लेके, तो जब भी आप लोग को टाइम मिले तो लाइव जुड़िए रात में 8 बजे और 12 बजे भी हम लाइव आएंगे स्पोकन का क्लास लेके, ओके, ये प्रीमायर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा है ना, तो वहाँ पे लाइव होगा 12 बजे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर, और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ग्रामर पढ़ना है या बुक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।